दोस्तों आज हम स्टॉक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग या करके देखने वाले हैं। तो हम सबसे पहले वॉच लिस्ट में ऐड कर लेते हैं स्टॉक को। तो दोस्तों हम यहाँ ऐड करने वाले हैं लार्सन टर्बो को, एलएनटी को। तो हमने यहाँ सर्च किया एलटी, और आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ दिख जाएगा एलटी दोस्तों एनएससी, जिसका प्राइस 2395 रुपए का चल रहा है। तो हमने इसे ऐड कर लिया है। एंड दोस्तों हमने एलएनटी के 2360 का कॉल ऑप्शन भी ऐड किया हुआ है, तो हम इसे बाय करते हैं। बाय पे क्लिक करने के बाद दोस्तों एक लॉट इसका 300 क्वांटिटी का है, तो हम इसे लिमिट प्राइस पे बाय करेंगे। तो हम इसे बाय करेंगे 76 के प्राइस पे। रिव्यू करते हैं, सबमिट ऑर्डर कर देते हैं। तो दोस्तों ये हमारा बाय हो चुका है, आप यहाँ देख सकते हैं 76 के प्राइस पे ये हमारा बाय हो चुका है। अभी फिलहाल ऑन कोर्स चल रहा है। तो दोस्तों अगर हम देखें तो इसका जो एवरेज प्राइस दिख रहा है यहाँ 76 का दिख रहा है। एलटीपी अभी 76 का ही चल रहा है, और क्वांटिटी इसकी 300 क्वांटिटी है। ओवरऑल दोस्तों करंट वैल्यू भी 22,800 के आसपास यहाँ नजर आ रही है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाएगा इसकी वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। अभी देखिए तो प्रॉफिट एंड लॉस दोस्तों नजर आ रहा है। तो दोस्तों आज हम स्टॉक्स में ट्रेड यहाँ कर रहे हैं, हम यहाँ निफ्टी और बैंक निफ्टी में यहाँ ट्रेड नहीं कर रहे हैं। तो स्टॉक्स में कैसे ट्रेड करते हैं वो हम आप देख सकते हैं। फिलहाल दोस्तों अभी देखें तो एक बार हम चार्ट देखते हैं। तो यहाँ दोस्तों लो देखें तो इसका लो जो है 60 का है, 60 का लो है। तो दोस्तों हम जहाँ स्टॉप लॉस लगाएंगे तो 60 से नीचे का लगाएंगे। एग्जिट पे चलते हैं और यहाँ स्टॉप लॉस लिमिट हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ हम 60 से नीचे का 59 रुपीज का स्टॉप लॉस रखेंगे, ट्रिगर प्राइस 59, और ऊपर का प्राइस हम 58 यहाँ लिख देते हैं। तो दोस्तों अगर ये आज अपने लो को ब्रेक करेगा तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। फिलहाल हमने लो के नीचे यहाँ स्टॉप लॉस यहाँ लगा दिया है। ओके, तो इस तरीके से आप स्टॉप लॉस भी दोस्तों लगा सकते हैं। फिलहाल दोस्तों जो स्क्रीन पे अभी कुछ कुछ प्रॉफिट यहाँ नजर आ रहा है, 360 रुपीज का हमें प्रॉफिट नजर आ रहा है। तो दोस्तों वेट करते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ थोड़ी देर बाद आए, 9:44 हुए, तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारा जो प्रॉफिट बढ़ के 3,000 रुपए के आसपास यहाँ स्क्रीन पे नजर आ रहा है। तो दोस्तों हमें यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है तो दोस्तों जल्दी से हम अपने प्रॉफिट को लॉक करेंगे, सेव करेंगे। जैसे कि हमारा स्टॉप लॉस लगा हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं थोड़ा प्राइस कम हुआ है तो प्रॉफिट थोड़ा कम हो चुका है। तो दोस्तों एग्जिट करते हैं, जो हमने स्टॉप लॉस लगाया सबसे पहले हम उसे कैंसिल करते हैं यहाँ पर, जो कि हमारा 58 के प्राइस पे लगा हुआ है। तो हमने दोस्तों स्टॉप लॉस को कैंसिल कर दिया है। अब डायरेक्ट पोजिशन में जाके हम एग्जिट करेंगे। एग्जिट पर क्लिक करते हैं, ये जो एग्जिट ऑप्शन आ रहा है, और लिमिट प्राइस पे एग्जिट कर देते हैं। जैसे कि 86.5 का प्राइस चला, इसी प्राइस पे हम एग्जिट करते हैं और रिव्यू सेल ऑर्डर हम कर देते हैं। तो दोस्तों हमारा ये कंप्लीट हो चुका है ऑर्डर, और यहाँ हमें ओवरऑल प्रॉफिट दोस्तों 3390 रुपए का यहाँ हो रहा है, 3390 रुपीज का ओवरऑल प्रॉफिट है। तो दोस्तों हमने इसे बाय किया, सेल किया, और हमें 3300 रुपए का यहाँ प्रॉफिट हुआ है। एक बार हम हिस्ट्री में भी जाके चेक कर सकते हैं किस प्राइस पे बाय किया था, किस प्राइस पे हमने सेल किया। तो हिस्ट्री में चलते हैं। हिस्ट्री में दोस्तों आप देखेंगे 76 पे हमने बाय किया था 9:33 पे, और 9:44 पे हमने 87.3 के प्राइस पे हमने इसे एग्जिट कर दिया है। तो ओवरऑल दोस्तों हम 15 से कम मिनट में हमें 3,100 रुपए का प्रॉफिट यहाँ मिल चुका है। अब स्टॉक की नई वाली अप में दोस्तों हमने ट्रेड किया है, फिलहाल हमें अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ मिल चुका है। अगर दोस्तों अभी हमें कोई और ट्रेड मिलता है तो हम और ट्रेड करेंगे, फिलहाल हम वेट करते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ 10:13 पे आए, तो आप यहाँ देख सकते हैं हमने यहाँ एक ट्रेड और लिया है, इन्फी में ट्रेड लिया है 1240 के कॉल ऑप्शन में, और दोस्तों हमें यहाँ प्रॉफिट हो रहा है 1400 रुपए का। ओवरऑल जो दोस्तों प्रॉफिट है वो हमारा 4790 रुपए का अभी स्क्रीन पे नजर आ रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं हमने स्टॉप लॉस भी दोस्तों लगाया हुआ है, और हमने 46 के प्राइस पे बाय किया है। अभी फिलहाल हमें 1460 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है इन्फी में खाली। दोस्तों अगर हम हिस्ट्री में जाके भी चेक कर सकते हैं कि हमने किस प्राइस पे बाय किया, फिलहाल हमारा एवरेज प्राइस दोस्तों 45.85 का यहाँ है, और हमने जहाँ स्टॉप लॉस दोस्तों यहाँ लगाया हुआ है वो इसके लो के नीचे लगाया हुआ है, 39 के नीचे। तो दोस्तों हमने यहाँ 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया लगभग। तो अभी जो प्रॉफिट है दोस्तों वो हमारा 1380 रुपए का ही इन्फी में नजर आ रहा है। तो वेट करेंगे दोस्तों, जैसे जैसे हमारा प्रॉफिट बढ़ता जाएगा तो हम एग्जिट करने की सोचेंगे। फिलहाल अभी ये 49 पे ट्रेड कर रहा है। ये देखिएगा इसका तो लो देखे तो 39.85 का लो है, तो इसके नीचे ही दोस्तों हमने स्टॉप लॉस लगाया हुआ है। हम चार्ट देखे तो चार्ट पे आप देख सकते हैं 15 मिनट के चार्ट पे ये ऊपर ही जा रहा है, पिवट पॉइंट को क्रॉस करके दोस्तों ऊपर की तरफ जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि और भी ये ऊपर जा सकता है। हमारा प्रॉफिट है वो 1660 रुपए पे आ चुका है, आपने देखो ओवरऑल प्रॉफिट हमारा 5000 के आसपास आ चुका है। तो दोस्तों एग्जिट करते हैं, 5000 का प्रॉफिट
इनफ है, तो सबसे पहले स्टॉप लॉस को कैंसिल करते हैं, और ये हमने स्टॉप लॉस कैंसिल कर दिया और हम सीधे ही एग्जिट करते हैं। एग्जिट पे जाते हैं और लिमिट प्राइस पे एग्जिट करेंगे, जैसे कि 49.85 चल रहा है तो हम 50 के प्राइस पे एग्जिट करेंगे यहाँ पर। तो हम 50 का प्राइस लिख देते हैं, रिव्यू सेल ऑर्डर करते हैं और ये हमने कर दिया। तो दोस्तों अभी हमारा ऑर्डर पेंडिंग में, मतलब ओपन ऑर्डर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी ऑर्डर हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। और दोस्तों इसका प्राइस मुझे लग रहा है थोड़ा कम हो रहा है इन्फिका, एक बार हम चेक कर लेते हैं प्राइस को। 49.60 पे दोस्तों अभी फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है। 50 के प्राइस पे हमने अपना लिमिट ऑर्डर प्लेस किया हुआ है, अगर 50 का प्राइस आएगा तभी हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, फिलहाल अभी पेंडिंग में है। दोस्तों अगर प्राइस कम होंगे तो हम मॉडिफाई करके एग्जिट कर देंगे जो हमने ऑर्डर यहाँ प्लेस किया है। तो जैसे कि अभी इसका प्राइस देख लेते हैं, क्या बिड प्राइस चल रहा है, बिड हो रहा है इस पर। तो दोस्तों ये 49 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो एक काम करते हैं हम 49 के प्राइस पे एग्जिट करते हैं। तो जो हमारा ओपन ऑर्डर है उसे मॉडिफाई करते हैं और जो 50 का प्राइस हमने डाला था उसे हम 49 यहाँ कर देते हैं, 49, और रिव्यू ऑर्डर कर देते हैं और सबमिट ऑर्डर कर देते हैं। तो दोस्तों ये हमारा एग्जिट हो चुका है, कंप्लीट हो गया ऑर्डर, और 4700 का हमें प्रॉफिट हो रहा है, 4700 का प्रॉफिट है ओवरऑल। दोस्तों हमें 5000 तक का प्रॉफिट हो रहा था, बट हमारा प्रॉफिट थोड़ा कम हो गया है क्योंकि हमने एक पॉइंट नीचे एग्जिट किया है, क्योंकि 400 का इन्फिका लॉट है। आप हिस्ट्री में भी देख सकते हैं कि 45.85 पे हमने बाय किया था और 49 पे हमने एग्जिट यहाँ कर दिया है, 400 का लॉट है इन्फी में। तो दोस्तों हमने दोनों ही ट्रेड प्रॉफिट में गए हैं, एलटी का और इन्फी का, मतलब लार्स एंड टर्बो में भी हमें प्रॉफिट हुआ है और इन्फी में भी हमें प्रॉफिट हुआ है। तो लार्स एंड टर्बो में 3390 का प्रॉफिट है और 1320 का हमें इन्फी में प्रॉफिट है। तो ओवरऑल प्रॉफिट दोस्तों हमारा 4710 का यहाँ है आज की डेट में। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा दिन गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। आज के लिए दोस्तों धन्यवाद।